तो मरने से पहले ये जो कलंक है, ये जो गुलामी है, जो समाज पर लगी है, ये हमने अपने जीते जी खत्म करनी है। ये वाल्मीकि नाई तेली धोबी कुमार माघ मतंग अहिर जाट गुजर, ये हमारी पहचान नहीं है, गालिया है, ध्यान रखना। हमें अपनी संस्कृति माननी है, घर में अपने संस्कार अपने महापुरुषों के अपने तरह से करने हैं, ब्राह्मणों की तरह से हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए और ब्राह्मणों से करवाने भी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें होगी और जब ये हो जाएगी, समाज हमारा हो जाएगा, तो पार्टी भी हमारी होगी, तो निश्चित रूप से विधानसभा भी हमारी होगी और संसद जिसको विधायिका बोलते हैं, विधायिका भी हमारी होगी, और जब विधायिका हमारी होगी तो कार्यपालिका भी हमारी होगी और न्यायपालिका भी हमारी होगी और मीडिया भी हमारा होगा, तब हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथियों, जिनका सामाजिक संगठन होता है, जिनका समाज होता है, उन्हीं की सत्ता होती है। हमारा समाज नहीं है, समाज के टुकड़े 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 हैं जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तोड़ा हमारे समाज को, जातियों परिवारों को तोड़ा। महिलाओं को हम चर्चा कर रहे थे, महिलाएं हमारी, बच्चों का भाग, घर का भाग महिलाएं लिखती हैं, होश ही नहीं है गरीबी के कारण, घर नहीं है, मकान नहीं, 22-22 गज के मकान है, 12-12 गज के, फिर भी इंसान ही एक ऐसा है जो बदल सकता है। कहते हैं कि समाज बदल सकता है, बदलने वाले लोग चाहिए, समाज संकित हो सकता है, संकित करने वाले लोग चाहिए। हम संकित करने वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज के विषय में मैं 2-3 बात कहूंगा बस, के देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, लोक माने जनता का साफ, जनता में हम ज्यादा, देश में लोकतंत्र संविधान है और बहुजन समाज के लोग एजुकेटेड हैं, बहुजन समाज के लोग काउंसलर एमएलए एमपी मंत्री हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कुछ है। और क्या हमारे पुरखों से हमें चाहिए था? मैं कह रहा हूं कि हमारे महापुरुषों ने सब कुछ दे दिया, संख्या 90% पढ़े लिखे लोग हम, लोकतंत्र हमारे फेवर में, संविधान हमारे फेवर में, संख्या वोट हमारी ज्यादा, और क्या चाहिए शासक बनने के लिए? फिर भी 10% शासक है, क्यों है, कब तक होगा, ये विषय हमने चर्चा के लिए यहां पे रखा। सब कुछ है फिर भी उनका शासन क्यों? वो इसलिए हमने जो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, हमने एक पहचान हमारी नहीं है, एक पहचान बनानी होगी। ये वाल्मीकि नाई तेली धोबी कुमार माघ मतंग अहिर जाट गुजर, ये हमारी पहचान नहीं है, गालिया है, ध्यान रखना। ये हमारी मूल पहचान नहीं है, ये हमारे को गालिया है उन्होंने दी है। हमें एक पहचान बनानी होगी, किस लिए कर रहे हैं, कि लोकतंत्र है, संविधान है, वोट हमारी ज्यादा, पढ़े लिखे ज्ञानी योग्य लोग हम, और ये हालत, एक पहचान नहीं है, एक पहचान बनानी होगी, जो फूले साहब कहते हैं। हमारी एक पहचान क्या है? मूल निवासी बनानी होगी। हम चमार नाई तेली धोबी कुमार मांग मतंग अहिर जाट गुजर नहीं है, हम कौन है? मूल निवासी है। हमारे इधर में बैठी है मैडम, इन्होंने बड़ा अच्छा लेख लिखा, उसमें सामयांतर में इन्होंने लिखा, बड़ी हस्ती है ये, अगर आप पढ़ेंगे तो, हमने तो इनके सारे लेख इकट्ठे किए। इन्होंने लिखा, अभी तो मूल निवासी की बात देश में 2-4% होने लगी है, कल्पना करो जिस दिन ये 50% से ऊपर चलेगी मूल निवासी की पहचान,
तो तुम्हारा क्या होगा, मैडम ने लिखा है उसमें। तो हमारी पहचान हमने बुला दी। वो फूले जी कहते हैं कि हमारी पहचान मूल निवासी होगी आज से, ये हम मूल निवासी पहचान है हमारी। जैसे हिंदू पहचान इनकी नहीं थी, ये हिंदू पहचान मानते भी नहीं थे। किसी नीति रणनीति के तहत इन्होंने हिंदू पहचान मानी, सत्ता में आ गए। शब्द भी नहीं, मूल शब्द भी नहीं था किसी धर्मशास्त्र में भी नहीं। तो मूल निवासी की पहचान हमें इकट्ठा कर सकती है। जय मूल निवासी बोलने में सिख को भी कोई गुरेज नहीं है, मुस्लिम को भी, ईसाई को भी, किसी को भी नहीं है, और बहुजन को तो है ही नहीं। जबकि सिख, ईसाई और मुस्लिम भी हमारे में से ही बने हैं, निश्चित रूप से वो मूल निवासी है। मूल निवासी की पहचान हमारे को 90% ही करेगी। दूसरा काम, हमें अपनी संस्कृति माननी है, घर में अपने संस्कार अपने महापुरुषों के अपने तरह से करने हैं। ब्राह्मणों की तरह से हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए और ब्राह्मणों से करवाने भी नहीं चाहिए। अगर हम लोग ब्राह्मणों से और ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार कराते हैं, संस्कृति अपनाते हैं, तो ये हम अपने महापुरुषों का अपमान करते हैं, ये ध्यान रखना। उनके द्वारा संस्कार करना और कराना, हम अपने महापुरुषों का अपमान करते हैं। संस्कृति ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, कैपिटल है जिसको बोलते हैं। आपके पास आपकी संस्कृति की ताकत नहीं है, आप उधार की उनकी संस्कृति को मान रहे हो, तो जब चाहे आपको लात मारते हैं। आप अपनी संस्कृति को पकड़िए, मूल निवासी संस्कृति को, उससे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार उससे ही खुद ही करने हैं, आपकी पहचान बनने लगेगी। हमारे घरों में और हमें अपना समाज मूल निवासी समाज ही मानना है। हम वाल्मीकि जाति, नाई, तेली, धोबी हमारा समाज नहीं है, ये उनके टुकड़े हैं। समाज भी वो ही मानना है। हमारे घरों में भी हमने अपने ही महापुरुषों के चित्र लगाने हैं, ध्यान रखना। चित्रों के पीछे पूरा इतिहास होता है, चित्र बोलता है। किसका चित्र है बच्चे पूछते हैं, बताना पड़ता है। चित्र बोलता हुआ इतिहास है, हमने अपने महापुरुषों के चित्र घर में लगाने हैं। उसके बाद हमारे घरों में पुस्तकालय होने चाहिए। सोना चांदी कम हो चलेगा, हमारी माताएं बहने चाहे वो क्या है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र से रक्षा नहीं होगी, रक्षा संविधान से होगी, रक्षा संविधान से होगी। तो घर में पुस्तकों का भंडार हमारे घर में होना चाहिए और पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए। हमारे घरों में कंप्यूटर युग है, आज हर एक के घर में कंप्यूटर होना चाहिए और हमारी माताओं को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ऑन ऑफ तो करना आए, ऐसे ऑन करोगे तो आपको पता चल जाएगा दिल्ली में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, सारी जानकारी आपके पास है। किसी बीमारी की जानकारी ले लो, किसी दवा की जानकारी ले, दवा और आपके पास जानकारी। तो कंप्यूटर युग है, हम टीवी खरीदे ना खरीदे हमारे घर में कंप्यूटर होना चाहिए और हमारी माताओं को चलाना आना चाहिए। हमारे घरों में शब्दकोश हो, डिक्शनरी हो, पुस्तकालय हो, और हमें रात दिन अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। चाहे हमारे यहाँ मौत हो, चाहे हमारे यहाँ खुशी हो, चाहे सगाई हो, कुछ भी हो, हमें अपनी संस्कृति के ही अंतर्गत वो सारे सिस्टम करने चाहिए। और अंतिम लास्ट बात क्या कि हमें अपनी एक एक वोट मूल निवासी समाज की पार्टी और मूल निवासी समाज के कैंडिडेट को ही देनी होगी। दूसरे किसी को भी हमारी वोट नहीं जानी चाहिए, वोट को हमें रोकना होगा। तो ये सारी चीज करेंगे, क्या परिणाम होगा? सब मूल निवासी मानेंगे, क्या परिणाम होगा? 90% का समाज बन जाएगा। जब समाज बन जाएगा 90% एक तरफ, तो सत्ता पक्ष, विपक्ष, तीसरी चौथी पार्टी किसकी होगी? मूल निवासियों की होगी। अभी हिंदुओं की है, सत्ता पक्ष हिंदुओं का, विपक्ष हिंदुओं का, तीसरी पार्टी हिंदुओं की, चौथी उनकी, कहां जाओगे? मूल निवासी बनते ही 90%
आपका सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, तीसरी चौथी पार्टी भी आपकी होगी। ये सारी चीजें होगी, और जब ये हो जाएगी, समाज हमारा हो जाएगा, तो पार्टी भी हमारी होगी, तो निश्चित रूप से विधानसभा भी हमारी होगी, और संसद जिसको विधायिका बोलते हैं, विधायिका भी हमारी होगी, और जब विधायिका हमारी होगी तो कार्यपालिका भी हमारी होगी, और न्यायपालिका भी हमारी होगी, और मीडिया भी हमारा होगा, तब हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है साथियों। तो ये जो विषय रखा हमने इसलिए रखा कि एक पहचान बनानी होगी, एक पहचान जाति की, जातियों को छोड़ना होगा, जातियों से निकलना होगा, ये जेल को तोड़ना होगा, ये ऊपर हमें आना होगा। साथियों जीवन एक बार है, बार बार आप इस जाति में आने वाले नहीं हो, दोबारा आपका आपके परिवार में इस जाति में जन्म होने वाला नहीं है, और मौत तो निश्चित है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आएगी। तो मरने से पहले ये जो कलंक है, ये जो गुलामी है, जो समाज पर लगी है, ये हमने अपने जीते जी खत्म करनी है। यानी कि जीवन एक बार है, जो करना है इसी जीवन में करना है।